गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम प्रद्युमन मर्डर मिस्ट्री से जुड़े अहम खुलासे को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो खबर जुड़ी है आरोपी बस कंडक्टर से। खबर की तरफ आपका रुख ले जाना चाहूंगी। जेल से बाहर आने के बाद ने बहुत बयान दिए हैं, इस पर मैं अपने सहयोगियों से राय लूंगी, लेकिन मैं आपका ध्यान अशोक की तस्वीरों की तरफ ले जाऊंगी। आप उसे देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि जेल से छूटने के बाद उसकी स्थिति कैसी हो गई है। जब वो जेल से बाहर था, जब प्रद्युमन केस नहीं हुआ था, उससे पहले उसकी स्थिति देखिए, और जेल में रहने के दौरान और जेल से बाहर आने के बाद उसकी कंडीशन कैसी हो गई है वो आप देख सकते हैं। आगे सिलसिला ये देखिए, ये देखिए, वो बोल नहीं पा रहा है, उसे उठाने के लिए वहाँ पर दो तीन लोग मौजूद हैं, वो मीडिया से बात कर रहा है, अपना मत रख रहा है, अपनी आपबीती बता रहा है, लेकिन तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है कि जेल में उसने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जेल में जो उसने जितने दिन काटे हैं वो इसके लिए कैसे नरक की तरह साबित हुए हैं। वो उठ तक नहीं पा रहा है, वो बोल तक नहीं पा रहा है। इन तस्वीरों, ये अशोक के बच्चे हैं और ये उसकी पत्नी है। आप देख सकते हैं परिवार वालों का हाल कैसा है अशोक के जेल जाने के बाद। लेकिन फिलहाल अभी बात करेंगे अशोक की इस दर्दनाक स्थिति पे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अशोक जो कि प्रद्युमन के प्रद्युमन का जब कत्ल हुआ था उसके अगले दिन उसे गिरफ्तार किया गया, और गुरुग्राम पुलिस और हरियाणा पुलिस ने ये बोला कि आरोपी बस कंडक्टर ने प्रद्युमन को मारा है। उसके बाद अशोक ने अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ उसने मारा है, क्योंकि वो पार्सल में गंदा काम कर रहा था। लेकिन इसके बाद जब सीबीआई का खुलासा बीती 8 नवंबर को सामने आया कि रियान के एक बच्चे ने जो कि 11वीं क्लास का छात्र है उसने मारा है प्रद्युमन को, अब जबकि जमानत मिल गई है अशोक को और अब उसकी जो हालत दिख रही है, उसने खुद ये बयान दिया है कि जितने दिन मैंने जेल में काटे हैं वो नरक के समान थे, मुझे ऐसा लगा कि मैंने आधी ज़िंदगी जो है एक नरक के समान जेल में बिता दी है। उसकी तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है, जैसा कि कहते भी हैं कि तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं, शब्दों से ज़्यादा तस्वीरें बोलती हैं, और तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह उस शख्स की हालत हो गई है। ये हालत उसकी की है गुरुग्राम पुलिस ने उस पर टॉर्चर किया, उसे ज़बरदस्ती जबरन बयान दिलवाए, और आज वो शख्स मीडिया के सामने बोल तक नहीं पा रहा है, उठ तक नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे चार लोग उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं उसकी हालत कितनी दयनीय हो गई है। उस पर बाकी अपडेट के लिए मैं अपने सहयोगी राशिद अली की तरफ रुख करूंगी, वो बताएंगे कि आखिर क्या हुआ अशोक के साथ जेल में और बाहर आने के बाद उसने क्या खुलासे किए हैं। जी देखिए, जैसे ही वो जेल से बाहर आया उसे 50,000 रुपये के जमानत मुचलके पे जमानत दी गई है, जाहिर सी बात है सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो उससे बात की गई, उसने बताया कि 75 दिनों के अंतराल जो उसके साथ घटित हुआ वो बेहद ही एक बुरे सपने के जैसा था। उसने बताया कि किस तरह से पुलिस ने उसे मारा पीटा, उससे हर बर्बरता की गई, उससे ना सिर्फ उसे दिन रात मारा पीटा, यही वजह थी कि उससे गुनाह कबूल करवाया गया। और जेल से बाहर आते वो अपने गांव जहां पहुंचा घामडोज में, तो वहीं भारी संख्या में लोग जुट रहे थे, और वो यही कह रहा था जब उससे पूछा गया इस मामले में, तो उसका कहना था कि उसने उसे नहीं मारा, पहले ही बयान दिया था, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने उससे बाद में बयान बदलवा दिए, बाद में उस पर जबरन कबूल करवाया और उसे बेहद मारा पीटा। और उसके बाद वो यही कह रहा है कि मैंने उसे नहीं मारा, और मैं यही कामना करता हूँ कि उस मासूम छात्र के उसके माता पिता को उसका इसका न्याय मिले, इंसाफ मिले, उसके उनके परिजनों के साथ न्याय। आपने बहुत बड़ी ये जानकारी दी है कि उसने ये बोला कि मैंने प्रद्युमन को नहीं मारा, और जबरन मुझसे पुलिस ने बयान कबूल करवाए। तो जब उसने बयान दिया है तो आप कि जबरन बयान पुलिस ने कबूल कराए, तो पुलिस का क्या इंटेंशन हो सकता है उसे जबरन बयान दिलवाने का? देखिए, उस पहले ही मामला सामने आ रहा था कि जब एकदम जब वारदात हुई थी और उसके सामने आते ही इसने ऐसे कबूल करवा लिया, जो कि बाद में पता चला कि उसे मार पीट कर ये जबरन कबूल करवाया, जैसा कि उसका पहले भी हमें बयान देखने को मिला था, उसकी बात का खुलासा बिल्कुल बिल्कुल और उसी बात का खुलासा था, और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस और स्कूल प्रशासन की मिलीभगत सामने देखने को। वाकई बहुत बड़ी अहम जानकारी दी मेरे सहयोगी राशि जी, शुक्रिया, उन्होंने बहुत बड़ी एक जानकारी दी है कि पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रशासन दोनों की जो है, पुलिस महकमे और स्कूल प्रशासन
कि मिली भगत थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं अशोक के साथ इतना टॉर्चर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर पुलिस को इतनी क्यों तलब पड़ी, इतना वो क्यों इतना रोचक हो गई कि उसे अशोक को ही फंसाना पड़ा, आखिर इसके पीछे पेच क्या है। CBI ने यहाँ तक खुद कहा है कि गुरुग्राम पुलिस की जो जाँच है उसमें कई पेचीदगी है और खुद उसके ही कई अधिकारी इस जाँच के घेरे में आ रहे हैं। CBI ने खुद कटघरे में खड़ा किया है गुरुग्राम पुलिस को। हालांकि जो आधिकारिक तौर पर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया उनका ये कहना है कि CBI ने हमें अपनी जांच करने ही नहीं दी और पहले ही केस को CBI के हाथों में दे दिया गया। लेकिन जिस तरह से जेल से बाहर आने के बाद अशोक ने खुद कबूल कर लिया है, उसने साफ साफ गुरुग्राम पुलिस की नियत और काम पर सवाल उठाए हैं कि उसने जबरन बयान दिलवाया है। तो आखिर जबरन बयान क्यों दिलवाया है ये जानने के लिए मुड़ूंगी अपने सहयोगी काशी जी से बात करूंगी। काशी जी बताइए, जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी हैं, आप खुद देख सकते हैं ये अशोक की पत्नी है, ये अशोक है। अभी मैंने अपने डेस्कटॉप पे आपको दिखाया कि किस तरह से अशोक की हालत हो गई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडिया उसे सवाल पूछ रही है और वो बोलने की स्थिति में नहीं है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि उसके साथ कैसे जुर्म ढाया गया है, कैसे उसे हवालात में एक टॉर्चर, एक नरक की स्थिति में लाया गया। काशिफ जी, क्या लगता है जिस तरह से हरियाणा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस ने आखिर क्यों किया ऐसा? क्या रियान पिंटो को बचाना चाहती है या पिंटो परिवार को बचाना चाहती है या फिर जो उनकी जो ग्रेस पिंटो हैं जो कि संस्थापक हैं उनका जो सियासी रसूख है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रेशराइज में थी और इसीलिए रियान की रेपुटेशन कम ना हो इसलिए गरीब इंसान को फंसा दिया? बिल्कुल, देखिए गायत्री जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सबसे पहले तो जिस तरीके की ये पत्नी ने, अशोक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाया है कि उससे नशा कराकर उसको जबरन कबूल करवाया गया है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक गुजर सकते हैं कि एक कंडक्टर को, एक गरीब इंसान को आपने नशा खिलाकर नशा की हालत में उससे बयान कबूल करवाया है। हालांकि उसने जब वो जेल से निकला है अशोक, तो उसने मीडिया को धन्यवाद दिया है, उसने कहा है कि मैं उनके बिना बाहर नहीं आ सकता था। एक और बयान आया है, अशोक की पत्नी ने मीडिया से कहा है कि पुलिस ने उसके पति को उल्टा लटका कर मारा और टॉर्चर किया। और जैसा कि मेरे सहयोगी काशिफ जी ने जानकारी दी कि कबूल कराने के लिए नशा भी दिया लेकिन उल्टा लटका कर मारा और टॉर्चर भी किया, यानी एक गरीब को एक तो आपने जबरन बयान दिलवाया, बिल्कुल है ना, और फिर एक तो उसका एक तो गुनाह नहीं था और एक तो गुनाह कबूल कराया फिर तो उसे टॉर्चर किया। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वो बंदा बोल नहीं पा रहा है और बाद में आप उसे क्लीन चिट देके उसको जमानत मिल रही है, मतलब जमानत मिल रही है। पहले तो उसका साइकोलॉजिकल उसका आपने टॉर्चर हुआ, और फिर पुलिस ये कहती है कि हमें तो जांच से पहले ही जांच की नहीं, CBI को जांच, तो आप कितने दिन तक कर क्या रहे थे वहां? बिल्कुल कर क्या रहे थे, और आप एक कैसे आप जो है किसी को फिजिकल आप उसको जो कर रहे हो टॉर्चर कर रहे हो, फिर उसके बाद मेंटली आप टॉर्चर कर रहे हो, बाद में उसे क्लीन चिट दे रहे हो, उसके परिवार का आपने नहीं सोचा कि उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। और जिस तरीके से खबरें आई हैं कि उसके गांव के प्रधान ने पैसा इकट्ठा करके जो है वो उसकी जमानत में, यानी आप गरीबी का अंदाजा लगा सकते हैं, एक गरीबी का अंदाजा लगा सकते हैं। गरीबी का अंदाजा लगा रहे हैं तो फिर BJP सरकार को तो बोलना बिल्कुल तय हो जाता है क्योंकि ये वही मोदी सरकार है जो कहती है सबका साथ और सबका विकास, तो लेकिन उसमें गरीब कैसे तोला जाता है ये उसकी बानगी आपको अशोक की स्थिति में साफ नजर आ रही होगी। हरियाणा में CM मनोहर लाल खट्टर है और वो वहां भी BJP की सरकार है, लेकिन जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जब घिरे तो प्रद्युमन के घर पहुंचे, उन्होंने सांत्वना दी, फिर प्रद्युमन के माता पिता की मांग मानी और आखिरकार उन्होंने CBI को इस केस की जांच दी। हालांकि उस वक्त भी काफी उलझी हुई थी खट्टर सरकार, उनको ये डर लग रहा था कि कहीं उनकी सरकार ना गिर जाए क्योंकि बाबा राम रहीम का केस और फिर प्रद्युमन का केस। आपको क्या लगता है जिस तरह से खट्टर सरकार का ये रवैया सामने आया है, CBI को जांच दी, उनके मंत्री भी इसमें मामले में सामने आए थे कि उन्होंने कहा कि CBI से जांच क्यों करा रहे हो, आप गुरुग्राम पुलिस से जांच कराओ, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि मेरा इसका मकसद ये नहीं था कि CBI जांच होनी नहीं चाहिए। क्या लगता है कि सियासी रसूख, एक बच्चे की मौत हो गई है रियान स्कूल में, एक छोटा सा बच्चा 7 साल का, बिल्कुल वो बच्चा मर गया, उसको मारा गया इतने निर्मम तरीके से, एक गरीब शख्स अशोक बस कंडक्टर आपने उसको फंसा दिया, बिल्कुल, तो क्या कहां की न्याय की बात आप फिर कर? बिल्कुल जाहिर सी बात है गायत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई चल रही है, अगर हम देखें कि एक बच्चे की हत्या पर जो सियासत हो रही है, ये रसूख की सियासत हो रही है और गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में खाई जो है उसको पाटना चाहिए, बराबरी पर दोनों को ओहदा देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये केस बता रहा है कि गरीब गरीब रह जाता है और अमीर अपनी
अमीरी का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं बच जाता है, जैसा कि पिंटो परिवार बच रहा है। चलिए काशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इसमें एक सहयोगी मेरे हैं अनुज मिश्रा जुड़े हैं, उनसे मैं चाहूंगी कि वो इस पर और मेरे दर्शकों को बताएं कि आखिर इस केस को आप किस नजरिए से लेते हैं। देखिए गायत्री, जिस तरीके से आपने इस केस के बारे में जो हमारे सहयोगी है उन्होंने बताया है, मैं इस चीज़ से बहुत आहत हूँ कि एक पुलिस जिसको एक अलग नजरिए से वास्तव में हमारी हिंदुस्तान की जनता देखती है, रक्षक ही भक्षक बन गई है, रक्षक और एक पुलिस की एक जो इमेज है जनता के छवि है वो बिल्कुल तो धूमिल थी ही, लेकिन इस केस के बाद और एक सामने आ गया है कि जिस तरीके से एक गरीब आदमी पे आपने इतना अत्याचार किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसको सिर्फ संदिग्ध में आपने उसको हिरासत में लिया और इसके बाद आप उल्टा लटका नशा करवा के उल्टा लटका के उसको मार रहे हो, करंट दे रहे हो, उसकी एक एक आह से सिर्फ यही निकल रहा है कि जो सरकार थी खट्टर सरकार और वहाँ की पुलिस से सिर्फ यही पूछ रहे थे कि आप क्या दोगे। आपने उसने तो चलो वहाँ के जो प्रधान हैं और उसने जैसे तैसे करके निजी किसी की गरीबी का मजाक उड़ाया गया है, गरीबी का मजाक उड़ाया गया है। गायत्री जी, जिस तरीके से पुलिस ने उसको मारा है, क्या पुलिस उस जिस तरीके से मारा है वो अब सरकार क्या करेगी जी। वाकई बहुत थैंक यू, शुक्रिया अनुज जी। जिस तरह से कि मेरे सहयोगी अनुज जी ने बताया कि पुलिस क्या करेगी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं सियासी कनेक्शन है, रियान की जो मालकिन है ग्रेस पिंटो, उनका कहीं ना कहीं सियासी रसूख सामने आ चुका है कि वो हर सरकार जो भी सत्ता में होती है उससे कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होता है, और इसके पीछे बताई जा रही वजह कि इसीलिए शायद पिंटो परिवार अभी भी गिरफ्त से बाहर है। लेकिन जिस तरह से अशोक जो कि आरोपी बस कंडक्टर है उसे जमानत पर रिहा किया गया है और बाहर आया है, उसने अपनी आप बीती बताई है, उसकी तस्वीरों में उसका दर्द साफ झलक रहा है कि आखिर पुलिस जिसको आम जनता के लिए रक्षक माना जाता है आज वही भक्षक हो गई और एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है एक रेपुटेटेड संस्थान में। अभी तक कुछ भी सारी गुत्थियाँ उलझी पड़ी हैं, कहीं भी कुछ सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं बस कंडक्टर को लेकर जिस तरह से बयान सामने आया, उसने खुद मीडिया के सामने आकर बयान दिया है कि मैंने नरक भोग लिया है। आपको दिखाना चाहूँगी उसने क्या कहा है। जेल से बाहर आने के बाद अशोक ने बोला कि जीते जी मैंने नरक भोग लिया है। आप उसका ये तस्वीर देख सकते हैं कि वो शख्स बोल तक नहीं पा रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेल पर उस पर कैसे सितम ढाया है हरियाणा पुलिस ने। पत्नी ने सब कुछ बताया है, लटका कर मारा, टॉर्चर किया, गुनाह कबूलने के लिए नशा भी दिया, जैसा कि मेरे सहयोगियों ने भी इस बात की जानकारी दी। और अब पत्नी को इस बात की आशा है कि सीबीआई जांच पूरी कर दोषी को सजा दिलाएगी और साथ ही इस हत्याकांड में अशोक को फंसाने वालों के खिलाफ भी सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात की है कि कही है कि सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी सीबीआई जिस तरह से कि सीबीआई की कई गुत्थियां हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी छात्र अभी कस्टडी में है सीबीआई की, लेकिन अभी अशोक का जिस तरह से बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं अब केस का रुख कहीं और भी लेकर जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में पिंटो परिवार जो कि रियान के मालिक हैं क्या उन पर नकेल कसेगी? अशोक के बयान के आधार पर, जैसा कि उसकी पत्नी ने कहा है, अशोक के बयान के आधार पर उसकी स्थिति को देखते हुए क्या अब रियान के मालिक पिंटो परिवार की बारी है जेल की सलाखों के पीछे जाने की? खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सीबीआई आखिर इस पर क्या करती है। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से आपके सामने लेकर आऊंगी प्रद्युमन मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा एक और अहम खुलासा। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।